हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सस्सी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक है स्पॉटिंग इरर्स का। ये स्पॉटिंग इरर्स का 7th प्रैक्टिस सेट है। आज फिर से हम 10 सेंटेंस लेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कि इरर क्या है और जो भी इरर होगी उसका रूल भी हम साथ में देखते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस दिया हुआ है, वी स्वैम अप टू द ड्राउनिंग मैन, कॉट होल्ड ऑफ हिज क्लॉथ्स बिफोर ही कुड गो डाउन अगेन एंड पुल्ड हिम आउट सेव टू द शोर। नो इरर, ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है। इसमें हमें इरर फाइंड करनी है। तो इरर दरअसल यहाँ सी पार्ट में है और इरर एडवर्ब के यूज से संबंधित है, क्योंकि यहाँ वर्ब यूज हुई है पुल्ड आउट, यानी कि दिया हुआ पुल्ड हिम आउट। तो ये जो वर्ब है पुल्ड आउट, इसके बाद यूज किया गया है सेव का, ठीक है, जबकि सेव एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्योंकि वर्ब के बाद एडवर्ब का यूज होता है, यानी कि वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का यूज किया जाता है, ना कि एडजेक्टिव का। तो यहाँ एडवर्ब आना चाहिए, एडजेक्टिव नहीं, ठीक है। तो जबकि एडवर्ब क्या होता है, सेफली, तो यहाँ सेफली का यूज होना चाहिए। तो सही क्या होगा, पुल्ड हिम आउट सेफली टू द शोर। तो यहाँ सेफली आना चाहिए, ना कि सेफ। तो ये एरर हमारी सी पार्ट में थी, तो यही पार्ट हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेकेंड नंबर दिया हुआ है, द टीचर रिव्यूड एंड करेक्टेड द आंसर इन ए सिस्टमेटिकल वे। नो इरर, यहाँ भी जो इरर है वो एडजेक्टिव के यूज से संबंधित है, ठीक है। यहाँ ये जो सिस्टमेटिकल वर्ड का यूज हुआ है, ये कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो नाउन होता है वो होता है सिस्टम, और सिस्टम का जो एडजेक्टिव होता है वो होता है सिस्टमेटिक, ना कि सिस्टमेटिकल। तो यहाँ सिस्टमेटिक का यूज होना चाहिए। यहाँ जो एडजेक्टिव आएगा सिस्टम का, वो सिस्टमेटिक आएगा, ना कि सिस्टमेटिकल। तो यहाँ सिस्टमेटिक रख देंगे हम, ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस बनेगा, द टीचर रिव्यूड एंड करेक्टेड द आंसर इन ए सिस्टमैटिक वे, ठीक है। तो यह सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इरर हमारी सी पार्ट में थी इसमें, तो ये सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। थर्ड नंबर दिया हुआ है, द वे ही इज बिहेविंग ही विल सून स्पिल द बीन्स आई एम अफ्रेड। नो इरर, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इरर क्या है। इसमें इरर दरअसल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस में क्या होता है कि इरर फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे अगर इसे हम रफली पढ़ें तो इसमें कोई इरर समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पे इरर क्या है, इरर यहाँ पे दरअसल सुपरफ्लुअस से संबंधित है। यहाँ ये जो बी पार्ट में ही यूज हुआ है, ये सुपरफ्लुअस है। यहाँ ही यूज करने की, यानी कि इस प्रोनाउन को यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ बात किसकी की जा रही है, कि वे की, द वे, यानी कि वो तरीका, जैसा कि ही इज बिहेविंग, यानी कि जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, तो इस तरीके की बात की जा रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि द वे ही इज बिहेविंग ही विल सून स्पिल द बीन्स, तो वो नहीं करेगा स्पिल द बीन्स मीन्स क्या होता है, भेद खोलना, यानी कि सीक्रेट को रिवील करना, ठीक है। तो यहाँ पे स्पिल द बीन्स कौन कर रहा है, वो तरीका, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, ना कि वो। तो यहाँ ही की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि उस व्यक्ति के प्रोनाउन के को यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सही सेंटेंस क्या बनना चाहिए, द वे ही इज बिहेविंग विल सून स्पिल द बीन्स आई एम अफ्रेड, ठीक है, यह सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ ये जो ही प्रोनाउन का यूज किया गया है, ये सुपरफ्लुअस है, इसका यूज नहीं होगा। तो यानी कि बी पार्ट में हमारी इरर थी, तो ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फोर्थ नंबर दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप अप विद द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। नो इरर, ठीक है। तो यहाँ जो फ्रेज यूज हुआ है, कोप अप विद, ठीक है, तो ये जो फ्रेज है गलत है, क्योंकि जो सही फ्रेज होता है कोप विद समथिंग, ठीक है, कोप अप, यानी कि अप का यूज उसमें नहीं होता है। अप क्या है, यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, इसका यूज नहीं होना चाहिए। तो सही फ्रेज क्या होता है, कोप विद समथिंग, जिसकी मीनिंग होती है डील सक्सेसफुली विद समथिंग डिफिकल्ट, यानी कि किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में सक्सेसफुली डील करना, ठीक है, ये होता है कोप विद समथिंग फ्रेज की मीनिंग। यहाँ कोप विद द प्रॉब्लम्स होना चाहिए, ना कि कोप अप विद, यहाँ अप नहीं होगा, अब क्या था, सुपरफ्लुअस था। तो यानी कि बी पार्ट में हमारी इरर थी, यही सही हो जाएगा। तो सही फ्रेज क्या आना चाहिए, कोप विद द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फाइव नंबर दिया हुआ है कि अंटिल यू डू नॉट गो टू द स्टेशन टू रिसीव हिम आई कैन हार्डली फील एट इज। नो इरर, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट पार्ट को देखें तो क्या लिखा हुआ है, अंटिल यू डू नॉट गो टू द स्टेशन, यहाँ पे अंटिल का भी यूज किया गया है, डू नॉट का भी, जबकि अंटिल खुद में एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ डबल निगेटिव का एक साथ यूज नहीं होता है, इसलिए अंटिल के साथ डू नॉट का यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सही क्या होगा, डू नॉट को अगर हम हटा दें तो यू गो,
लिखा जाएगा जो कि सही होगा। तो सही सेंटेंस बनेगा अंटिल यू गो टू द स्टेशन टू रिसीव हिम आई कैन हार्डली फील एट इज, ठीक है यह सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ डू नॉट को हम हटा देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी कि एरर हमारी फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट में थी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सिक्स नंबर दिया हुआ है, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाई डिड राजगोपालाचारी लीव द कांग्रेस इन 1940। नो एरर, यहाँ दरअसल एरर है इस व्हाई, व्हाई यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है व्हाई इससे संबंधित। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड दो सेंटेंसेज में, दो तरह के सेंटेंस में यूज होता है, या तो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस हो या फिर ये एज ए कनेक्टिंग वर्ड यानी कि किसी क्लाज में यूज हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ ये इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो सेंटेंस के अंत में इंटरोगेटिव साइन का यूज हुआ होता। ठीक है, जो कि यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये यहाँ पर एज ए क्लाज यूज हुआ है। तो यहाँ व्हाई के साथ क्या होगा, जब एज ए क्लाज में यूज होता है तो सेंटेंस क्या बनता है, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो भी व्हाई, हाउ या व्हाट कुछ भी यूज हुआ है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि यहाँ पे व्हाई यूज हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आती है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आता है, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है तब आता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, जो कि यहाँ लिखा गया है, तो ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, एज ए नाउन क्लाज में यूज हुआ है, तो यह ये पार्ट यानी कि सेकेंड सिचुएशन में यूज होना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, जबकि यहाँ हॉय के बाद डिड आया है, तो आना क्या चाहिए था, हॉय के बाद राजगोपालाचारी, तो यहाँ डिड को हटा देंगे तो सही क्या बनेगा, हॉई राजगोपालाचारी लेफ्ट, लीव का सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगा। तो सही सेंटेंस बनेगा, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हॉई राजगोपालाचारी लेफ्ट द कांग्रेस इन 1940। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेवेंथ नंबर दिया हुआ है, द बॉस रिमाइंडेड देम ऑफ द ओल्ड सेइंग दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर बी ऑनेस्ट इन दियर वर्क। नो एरर, तो यहाँ जो एरर है वो सेकेंड पार्ट में है, बी पार्ट में। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दरअसल प्रोवर्ब यूज किया गया है, ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, एक प्रोवर्ब है, यानी कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जब भी प्रोवर्ब या किसी यूनिवर्सल ट्रुथ का यूज किया जाता है तो वो प्रेजेंट टेंस में होता है, ना कि किसी अन्य टेंस में। ठीक है, तो यहाँ वाज का यूज नहीं होगा, यहाँ प्रेजेंट में आएगा तो इज का यूज होगा। तो सही प्रोवर्ब क्या होगी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ना कि वाज। तो यहाँ से वाज हम हटा देंगे तो सही सेंटेंस बन जाएगा, द बॉस रिमाइंडेड देम ऑफ द ओल्ड सेइंग दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे इस बी पार्ट में एरर थी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एट नंबर दिया हुआ है, ही गोज टू ऑफिस बाई फुट, यहाँ बाई फुट का यूज किया जा रहा है, जबकि जब भी पैदल चलने या टहलने की बात की जाती है तो वहाँ पे फुट के साथ प्रीपोजिशन आता है आन, ना कि बाई, तो आन फुट होना चाहिए ना कि बाई फुट। ठीक है, तो यहाँ आन आना चाहिए बाई की जगह पर, तब हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस बनेगा, ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नाइन नंबर दिया हुआ है, द टीनेजर रीअश्योर्ड हिज फादर एट द स्टेशन, डोंट वरी डैड आई विल पुल ऑन वेरी नाइसली एट द हॉस्टल। नो एरर, ठीक है, यहाँ सी पार्ट में एरर है, और सी पार्ट में यूज किया गया है फ्रेजल वर्ब पुल ऑन। ठीक है, इसका यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि पुल ऑन की जो मीनिंग होती है वो होता है सिगरेट से लंबा सांस खींचना, यानी कि सिगरेट पीने के उसमें ये यूज किया जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ हॉस्टल में रहने की बात हो रही है तो हॉस्टल में रुकने के लिए स्टे एट ए हॉस्टल का यूज किया जाता है, ना कि पुल ऑन का। ठीक है, यहाँ सही सेंटेंस क्या होगा, आई विल स्टे वेरी नाइसली एट द हॉस्टल। ठीक है, तो हॉस्टल में रुकने के लिए स्टे एट ए हॉस्टल का यूज करते हैं, ना कि पुल ऑन का। तो यही यहाँ पे एरर थी, तो एरर किस पार्ट में थी, सी पार्ट में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। टेन नंबर दिया हुआ है, पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बींग ए कावर्ड पर्सन। नो एरर, तो यहाँ जो एरर है वो सी पार्ट में है, यहाँ यूज किया गया ए कावर्ड पर्सन, जबकि कावर्ड मीन्स खुद होता है कायर व्यक्ति, यानी कि कायर व्यक्ति के बारे में, कावर्ड खुद अपने आप में पूर्ण शब्द है। ठीक है ना, तो इसमें पर्सन शब्द को यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये यहाँ पे सुपरफ्लुअस है। ठीक है, तो पर्सन को अगर हटा दें हम तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी कि हमारा जो एरर थी वो सी पार्ट में थी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और सही सेंटेंस बनेगा, पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बींग ए कावर्ड। ठीक है, तो ए कावर्ड बस इतने तक ही सही है, इसमें पर्सन यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ जो पर्सन का यूज किया गया ये सुपरफ्लुअस है।
तो ये थी आज के हमारे 10 स्पॉटिंग इरर्स जिनको कि हमने रूल्स के साथ लिए। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही अन टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म है गाय।